ये तुम क्या कह रही हो तनु? मैं सही कह रही हूँ। तुम्हारे बापूजी सही थे, उन्होंने मुझे इसलिए नहीं अपनाया था क्योंकि उन्हें लगा कि मैं रीता भाभी और गायत्री भाभी की तरह इस घर को जोड़ कर रखने वाली लड़की नहीं हूँ। उन्हें डर था कि अगर कोई अनजान लड़की उनके घर में बहू बनकर आ गई तो उनका संयुक्त परिवार तोड़ देगी। तुम्हारे बापूजी सही थे, कहाँ गलत थे वो? उनका डर तो आज सच में बदल ही रहे ना राहुल, है ना समीर? अपनी आंखों से देख लो तुम, तुम्हारे बापूजी ने मुझे उनका संयुक्त परिवार तोड़ने वाली लड़की समझकर बिल्कुल सही किया था। मेरे घर पे आते ही उनका ये बेटा घर छोड़ के जा रहा है। आखिर आज सही में मेरी वजह से उनका ये संयुक्त परिवार टूट ही तो रहा है ना समीर? मैंने तुमसे ये उम्मीद की है कि तुम मेरी हेतल की नफरत कम करने में मेरी मदद करोगे। अब अगर तुम भी हेतल की ही तरह अपने अंदर नफरत को पनपने दोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। समीर, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए जरा सी भी हमदर्दी है तो अपने अंदर नफरत को हावी मत होने दो। प्लीज समीर, आई रिक्वेस्ट यू। कोई बात नहीं, उससे न जो कुछ हुआ भूल जाओ। अब हम सब मिलकर राहुल और तनु का साथ देंगे। पूरा परिवार राहुल और तनु का साथ देगा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा तुझे इस हालत में अकेला छोड़ के जाने का। मेरी बात मान, मैं अपने मॉम डैड को मना लूंगी। नॉट एट ऑल। वैसे भी रोमियो और पुलिस वाली बात से अंकल आंटी थोड़े कंसर्न होंगे। यू मस्ट गो, अगर तू नहीं गई तो वो पैरानॉइड हो जाएंगे। बट इट्स टू राजीव, मैं अब ठीक हूँ और तू सिर्फ दो दिन के लिए तो जा रही है। कम लीव नाउ। आर यू श्योर? आई एम वेरी श्योर। घर पहुंच के एक बार कॉल कर देना। हम्म, चल। नाइस पर ठीक है, टेक केयर। यू टू, टेक केयर। बाय। और वैसे भी भाई साहब, श्री तो अब यहीं रहने वाली है क्योंकि अब वो हमारे घर की बहू बनने वाली है। हाँ, बहुत जल्द राहुल की शादी श्री से होने वाली है। अगर तू सच में मुझ पे ट्रस्ट करती है, मेरी बात मान के अपनी दी से पैचअप कर ले। अरे
अरे समीर कम ऑन नाउ चीयर अप, अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म, हम सब लोग मिलके संभाल लेंगे। मुझे पता है समीर हेतल के बारे में सोच के परेशान है, है ना समीर? समीर तुम टेंशन मत लो, श्री हेतल का दिल एक न एक दिन जीत ही लेगी, कितनी अच्छी काउंसलर है ये। तुम आराम से नाश्ता करो, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाभी सबसे पहले हमें एक कंफ्यूजन दूर करनी होगी। कैसी कंफ्यूजन? तनु के नाम की कंफ्यूजन। कोई इसे श्री बोलता है तो कोई तनु। मैं भी बिल्कुल यही कहने वाली थी, ऐसे तनु श्री नाम भी बहुत प्यारा है, लेकिन मेरे राहुल की जान तनु नाम में बसी हुई है। इसलिए आज से इसे सब लोग तनु ही कहेंगे। बेटा जी आंटी। अरे आंटी क्यों, माँ कहो। अब तुम राहुल के साथ हो तो राहुल जिसे जिस नाम से पुकारता है तुम भी पुकारो। बिल्कुल भैया। वैसे परिमल ने बहुत अच्छी बात कही, आज सच में मुझे ऐसे लग रहा है इस घर में सब ठीक हो जाएगा। राहुल को तनु मिल गई, समीर को भी हेतल का साथ मिल ही जाएगा। और हेतल और तनु के बीच जल्दी ही समझौता हो जाएगा। और दादी मुझे कौन मिलेगी? पता था मुझे ये रॉकस्टार जरूर ये सवाल करेगा। मैं तुझे बताता हूं बेटा तुझे कौन मिलेगी। अगर तूने एग्जाम्स में टॉप नहीं किया ना तो तुझे मेरी मार मिलेगी, समझा? राहुल की शादी श्री से होने वाली है। डेट्स तू कब तक आ रही है? नहीं पता। लेकिन हेट्स पेस्ट्रीज कौन बेक करेगा? नहीं पता।
हिट्स। अगर तू इन कपड़ों में टीवी में दिखेगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सारे रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले सब देखेंगे। और परिमल, उसे क्या कहूंगी? और तेरे बापूजी, उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? रीता, इसमें खाना पैक कर दिया है, जरूर खा लेना। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? सब ठीक तो है? दीदी, परसों बाद में आज मैं कैमरा फेस करने जा रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है और उस पर बार बार माजी का ख्याल भी आ रहा है। आप ही बताइए ना दीदी, मैं ये जो एड फिल्म शूट कर रही हूँ, मैं कोई गलती तो नहीं कर रही ना? अगर ये गलती होती तो क्या चाची तुझे ये काम करने की इजाजत देती? नहीं दीदी, माँ जी कभी किसी गलत चीज का साथ दे ही नहीं सकती। बस फिर चिंता किस बात की, खुश रहे। दीदी, मुझे माँ जी की चिंता हो रही है। राहुल और तनु की हालत देखकर मैं इतना समझ चुकी हूँ कि बापूजी अपने फैसलों के कितने पक्के हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, कहीं मेरे वजह से माँ जी को बापूजी के गुस्से का सामना नहीं करना पड़े। गायत्री, रीता, कहाँ तुम दोनों? हाँ चाची, हम यहाँ है रीता के रूम में। ये देखो, तुम्हारे बापूजी का खत आया है। या? चाचा जी? हाँ। लेकिन चाची, आज से पहले कभी भी चाचा जी ने आपके किसी भी खत का जवाब नहीं दिया ना? हाँ, आज पहली बार आश्रम से उन्होंने मेरे खत का जवाब दिया है। और ये सिर्फ खत का जवाब नहीं है बल्कि मेरे सारे सवालों का जवाब है। सवाल क्यों है इला? जब मैं आश्रम के लिए निकल रहा था और मैंने तुम्हारे हाथ में अपने खत के जरिए इस परिवार की जिम्मेदारी सौंपी थी, मुझे तभी से ही पूरा विश्वास था कि तुम हमारे इस घरौंदे को मुझसे भी अच्छी तरह से संभालोगी। मुझे तुम्हारे किए हुए हर एक फैसले पे पूरा भरोसा है इला। मैं जानता हूँ कि तुम कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकती। वैसे भी इला, इतने सालों से तुमने मेरे लिए हुए हर एक फैसले पे खुशी खुशी अमल किया है। अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारे हर एक फैसले को उसी खुशी के साथ स्वीकारूंगा और उस पे पूरे दिल से अमल भी करूंगा। जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ, तुम्हारा गोवर्धन। कई दिनों से बहुत डर रही थी। रात को चैन नहीं आता था ये सोचकर कि जब वो लौटेंगे तब इस घर में क्या होगा। लेकिन इस खत के जरिए उन्होंने मेरा सारा डर ही निकाल दिया है। मुझे यकीन हो गया है कि वो हमेशा मेरे साथ थे और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हाँ चाची, ये खत सिर्फ आपके लिए खुशी बन के नहीं आया है बल्कि रीता के लिए भी चाचा जी का आशीर्वाद बन के आया है। अरे हाँ, गायत्री, बिल्कुल सही कहा तुमने। बेटा, आज तुम्हारी शूटिंग का पहला दिन है ना? माँ जी, मुझे भी बहुत डर लग रहा था लेकिन बापूजी के इस खत ने मुझे भी हिम्मत दे दी। हाँ बेटा,
तुम्हारे बाबूजी का ये खत बिल्कुल सही वक्त पे आया है। अब तुम चैन से अपनी शूटिंग कर सकती हो और मैं भी दिल लगाकर राहुल और तनु की शादी की तैयारियां करूंगी। मैंने कहा ना आपसे, डेट्स इस वक्त किसी का भी फोन नहीं उठाएगी। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ ना रहा। मेरी वजह से एक बार फिर हेतल की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ गई। दी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं। और तन, हेतल की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो बस हमसे नाराज है और हम उसे मना लेंगे। ट्रस्ट मी तन, एंड ट्रस्ट समीर। हाँ दी, ट्रस्ट मी, हेतल चाहे कितनी भी नाराज क्यों ना हो जाए, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरे समीर, राहुल, तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? आज रीता की शूटिंग का पहला दिन है और वो जाने वाली है। चलो उसे जाके वो कह देते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, ऑल द बेस्ट। हाँ चलो। चलिए भाभी। आज इतना बड़ा दिन है तेरे लिए, दही शक्कर खा के जाएगी तो सारे काम अच्छे हो जाएंगे। माँ जी, मेरा काम तो सिर्फ आपके आशीर्वाद से ही अच्छा होगा। आशीर्वाद दीजिए। माँ करे दुनिया की हर खुशी तुझे मिले और अपने काम में ऐसी तरक्की करती रहे। थैंक यू माँ जी। संयुक्त हो, संयुक्त हो, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। संयुक्त हो परिवार, संयुक्त हो। अगर आप पलक और बीजल की जिम्मेदारी नहीं उठाती तो मैं काम नहीं कर पाती। संयुक्त हो। Thank you for all your help. और मेरी तरफ से भी आज की शूटिंग के लिए all the best. बांट लेंगे रंग सारे, दुख हो या छाया हो, खुशियों के चेहरों पे बादल आया जो। बांट लेंगे रंग सारे, छाया हो, खुशियों के चेहरों पे बादल आया जो। तन, तुम्हारा और तुम्हारी बहन का सबसे बड़ा एहसान है मुझ पे। हेतल ने मुझे जीने की हिम्मत दी और तुमने तुमने मेरा डिप्रेशन मिटाकर मुझे दोबारा खुश रहना सिखाया। थैंक यू वेरी मच। संयुक्त हो, तुमने मेरी लाइफ ही बदल दी। संयुक्त हो परिवार। ऑल द वेरी बेस्ट रीता। रीता नहीं, संयुक्त हो परिवार। रीता भाभी। ऑल द बेस्ट रीता भाभी। दैट्स बेटर नो। थैंक यू। वैसे भाभी, मैंने सुना है कि देवरों के पैर छूने से भाभियों को जो आशीर्वाद मिलता है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, क्यों सभी? वेरी ट्रू।
भाभी और मैंने सुना है कि जब भाभियाँ देवरों के कांट पकड़ती है तो उन्हें ऐसा आशीर्वाद मिलता है जिससे उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाती है। ओके ओके भाभी, अच्छा कान छोड़ो। क्यों तनु? राइट। अच्छा मैं चलती हूँ। All the best. Thank you.